रेप पीड़ित बेटी का दुख नहीं देख पाए एक पिता ने जैसे ही रेपिस्ट को कोर्ट के बाहर देखा अपनी वेपन निकाली और उस पर ताबड़तोड़ गोलियों से वार कर दिया और गोलियों से उड़ा दी उसकी खोपड़ी। दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया गया? पूरे मामले की जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर इलाके में। यहां पर बडलगंज इलाके की कहानी है। यहां पर भागवत निषाद नाम का एक रिटायर फौजी अपने परिवार के साथ रहता है। उसी के सामने एक दिलसाद नाम का 25 वर्षीय युवा लड़का जो पंचर का काम करता है, पंचर लगाया करता है। दोस्तों कहानी कहां से बदलती है? 12 फरवरी 2020 का दिन होता है। उस दिन दिलसाद जो भागपत होते हैं उनकी बेटी होती है नाबालिग, उसको वहां से उठा ले जाता है और लेकर उसे फरार हो जाता है। दोस्तों भागवत निषाद इधर उधर अपनी बेटी की तलाश करता है, उसे नहीं पता होता है कि कौन उसकी बेटी को उठा कर ले गया। लेकिन 17 फरवरी 2020 को भागवत निषाद दिलसाद के खिलाफ मामला दर्ज करा देता है कि वो मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया है, उसके खिलाफ पोस्ट का मामला दर्ज करा दिया जाता है। दोस्तों पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस की जांच पड़ताल चलती रहती है, एक साल बीत जाता है और दिलसाद का कहीं भी सुराग नहीं मिलता। दोस्तों पिता भी अपने घर में परेशान रहता है। लेकिन 12 मार्च 2021 को हैदराबाद से दिलसाद को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। और पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जो नाबालिग बेटी होती है उसको दिलसाद के चुंगल से छुड़ाया जाता है और उसे उसके पिता के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों दिलसाद जेल में चला जाता है और बेटी अपने घर पहुंच जाती है। कहानी कहां से बदलती है? जब दिलसाद को बीते 2 महीने पहले उसे बेल मिल जाती है और वो अपने घर चला जाता है। फिर कहानी घर जाने के बाद उसका जो पिता होता है, लड़की का पिता यानी भागवत निषाद, वो अपने मन में कुछ और ही ठान के रखता है। ये कहानी बदलती है 21 जनवरी 2022 यानी कि शुक्रवार को। जो दिलसाद होता है वो अपने वकील से मिलने के लिए गोरखपुर कोर्ट पहुंचता है और गोरखपुर कोर्ट पहुंचने के बाद वकील का इंतज़ार कोर्ट के बाहर परिसर में कर रहा होता है। तभी अचानक वहां पर भागवत निषाद आता है और उस पर गोली चला देता है। लेकिन पहली जो गोली होती है उससे दिलसाद बच जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन भागवत निषाद ने ठान रखी थी कि आज इसका मेरे को कत्ल करना जरूरी है। दोस्तों दूसरी गोली दिलसाद के सिर में लगती है और खोपड़ी वहीं पर खिल जाती है और वहीं पर दिलसाद ढेर हो जाता है और मौके पर ही दिलसाद की मौत हो जाती है। दोस्तों वहां पर काफी सारी भीड़ थी। भीड़ की सहायता से पुलिस भागवत निषाद को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपना खुलासा यही करता है कि मेरे को कोई गम नहीं है, मैं अपने होशो हवास में मैंने ये सारा कुछ किया है और अपने होशो हवास में ही मैंने इसका कत्ल किया है क्योंकि इसने मेरी बेटी के जीवन को नरक बना दिया। एक साल तक मेरी बेटी को लेकर ये फरार रहा, उसके बाद मेरी बेटी का पता चला लेकिन मेरी बेटी के आंसू आज भी सूखने का नाम नहीं ले रहे। अगर मेरी बेटी के आंसू नहीं सूखेंगे तो मैं सामने वाले को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों निषाद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा दिलसाद की मौत हो जाती है और जो भागवत निषाद होते हैं उनको जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यहां पर किसकी ज़्यादा कमी थी? क्या दिलसाद ने जो किया वो सही था और दिलसाद के बाद जो भागवत निषाद ने किया क्या वो सही था? दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या दिलसाद जो काम किया था एक नाबालिग लड़की को ले जाकर उसे एक साल तक बाहर रखता है, उसके बाद पुलिस उसकी तलाश करती है, उसके बाद फिर उसके चुंगल से छुड़ाया जाता है, ऐसा होने के बाद जो पिता ने किया क्या
क्या वो सही था या वो गलत था, अपने कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही सस्ता पर आधारित कहानियां मैं लेकर आपके सामने आता हूं। आप लोगों का भरपूर सहयोग मेरे को मिलता है, आगे भी यही कामना करता हूं कि आपका सहयोग मेरे को मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपने आप का ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।